हेलो व्यूअर्स बच्चों, आज जो है इस वीडियो में क्लास नाइन्थ के लिए है, जिसमें हम देखेंगे। पिछले वीडियो में देखा आपने द्विगर्भ क्या होता है, तो द्विगर्भ के दो भाग हैं। द्विगर्भ के भाग नंबर एक कोशा द्रव्य, और नंबर दो केंद्रक। यहां देखें बच्चों, जीव द्रव्य के दो भाग हैं, नंबर एक कोशा द्रव्य और नंबर दो केंद्र। कोशा द्रव्य पूरे जीव द्रव्य में से केंद्रक को अलग कर दें तो जो बचता है उसे कोशा द्रव्य कहते हैं। कोशा द्रव्य जो प्लाज्मा लेमा के किनारे का भाग होता है उसे इक्टोप्लाज्म, और जो केंद्रक के किनारे किनारे का भाग होता है उसे इंडोप्लाज्म, और जो मध्य में भाग होता है वो जैसे ये कोशिका है, बीच में ये केंद्रक है। अब ये जो भाग है, ये इधर किनारे किनारे का भाग जो है वह इक्टोप्लाज्म कहलाता है, और जो ये किनारे का भाग है केंद्रक के पास का, इसे इंडोप्लाज्म कहते हैं, और जो बीच में बच गया उसे मेसोप्लाज्म। केंद्रक कोशा कला के किनारे किनारे का जो जीव द्रव्य होता है, कोशा द्रव्य होता है, उसे इक्टोप्लाज्म कहते हैं। जो केंद्रक के चारों ओर कोशा द्रव्य होता है उसे इंडोप्लाज्म कहते हैं, और मध्य के भाग को मेसोप्लाज्म कहते हैं। अधिकतर कोशिकांग मेसोप्लाज्म में ही पाए जाते हैं। आपने देखा कोशा द्रव्य क्या है, कोशिकाओं के अंदर से केंद्रक निकाल देने पर जो कुछ भी बचता है उसे हम कोशा द्रव्य कहते हैं, और कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाली संरचनाओं को कोशिकांग कहते हैं। तो कोशा द्रव्य में हम आएंगे कोशिकांग। सेल ऑर्गेनाइल्स कोशिकांग कहते हैं, यानी जो भी कोशा द्रव्य में संरचनाएं मिलती हैं इन सब को हम कोशिकांग कहते हैं। वैक्यूल कोशिकांग नहीं है, सेलवाल कोशिकांग नहीं है, केंद्रक कोशिकांग नहीं है, वो सब कोशिका के भाग हैं। लेकिन जो इक्टोप्लाज्म या मेसोप्लाज्म या इंडोप्लाज्म में भाग पाए जाते हैं उसे हम कोशिकांग कहते हैं। तो इन कोशिकांगों के हम वर्णन करेंगे, कोशिकांगों का वर्ग। अब हम करेंगे कोशिकांगों का वर्ग। तो इसमें पहला है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिसे शॉर्ट फॉर्म में ER कहते हैं, इसे हिंदी में अंतः प्रद्रव्य जालिका, अंतः प्रद्रव्य जालिका। इसकी खोज जो है KR पोर्टर ने किया था, अंतः प्रद्रव्य जालिका की खोज KR पोर्टर ने किया था। यह कोशिकाओं में नलिकाओं पुटिकाओं थैलियों का बना हुआ यह जाल होता है।
जिसकी खोज के आर पोर्टर ने किया था, यह केंद्रक कला से निकल करके पूरे, ये केंद्रक है, इससे निकल करके पूरे कोशिका में नलियों का जाल फैला रहता है, इसी को हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इसकी संरचना देखें, संरचना में तीन प्रकार की रचनाएं मिलती हैं, तीन प्रकार की रचनाएं मिलती हैं, और नंबर एक है सिस्टर्नी यानी नलिकाएं, नंबर एक है सिस्टर्नी, नंबर दो थैलियां, और नंबर तीन नलिकाएं। ये तीन प्रकार की रचनाएं से मिलकर के ईआर बना होता है। सिस्टर्नी क्या है, ये लंबी लंबी चपटी शाखाहीन, ये लंबी लंबी ऐसे चपटी, ये देखिए ऐसे चपटी तमाम नदियां होती हैं, लंबी लंबी चपटी नदियां होती हैं जिन्हें सिस्टर्नी कहते हैं। फिर थैलियां जो है, थैली जैसी तमाम वेसल्स होती हैं, ये थैलियां हैं, और फिर ये नलिकाएं, ये शाखा युक्त होती हैं, ऐसे बनी हुई, फिर ब्रांचेज में बटी हुई शाखाएं अनियमित आकार में होती हैं, ये नलिकाएं होती हैं। ये तीन तरह की संरचनाएं, सिस्टर्नी, थैलियां और नलिकाएं, तीन प्रकार की रचनाओं से मिलकर बना होता है ये। इसके बाद हम देखेंगे ईआर के प्रकार, ईआर के प्रकार, ईआर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, आर ई आर खुरदुरी जालिका, खुरदुरी जालिका क्या है, रफ ई आर, वे ई आर जिन पर राइबोसोम्स लगे होते हैं जिसके कारण वो खुरदुरी होती हैं, उन्हें हम रफ ई आर या कणिकामय अंतःप्रद्रव्यी जालिका कहते हैं। इन पर राइबोसोम्स लगे होते हैं, यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए स्थान प्रदान करती हैं, ध्यान रखें। दूसरा एस ई आर सपाट जालिका या आकणिकामय जालिका, आकणिका में जालिका या सपाट जालिका, ये नलिकाएं होती हैं, थैलियां होती हैं जिन पर राइबोसोम्स नहीं लगे होते हैं, उन्हें सपाट जालिका कहते हैं या आकणिका में जालिका कहते हैं। इनकी सतहों पर राइबोसोम्स नहीं पाए जाते। दोनों में क्या अंतर है, आर ई आर की सतह पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं जबकि एस ई आर की सतह पर जो है राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे कार्य, राइबोसोम ई आर के कार्य, ई आर के कार्य, ई आर के कार्य देखें। नंबर एक, पहला विभिन्न पदार्थों के आवागमन पर नियंत्रण करते हैं, यानी विभिन्न पदार्थ जो कोशिकाओं में एक अंग से दूसरे कोशिकांग तक जाते रहते हैं उनका नियंत्रण करते हैं, उनके लिए जो है रास्ता प्रदान करते हैं, आवागमन पर नियंत्रण करते हैं।
पहला काम इनका है कि विभिन्न पदार्थों के आवागमन पर नियंत्रण करते हैं, या और दूसरी बात कि यह कोशिका के लिए कंकाल का कार्य करते हैं, कोशिका के लिए कंकाल का कार्य करते हैं। कंकाल का क्या कार्य है? उसकी आकार को दृढ़ता, यानी कोशिका के कोलाइडी मैट्रिक्स को यह दृढ़ता प्रदान करते रहे हैं, क्योंकि इनकी नलियां जो है संपूर्ण कोशिका में फैली होती हैं। कोशा विभाजन के समय में कोशिका कला कोशाभित्त का निर्माण करते हैं इसके बाद यह जो सपाट जालिकाएं हैं वह है ग्लाइकोजन का संग्रह करती हैं। SER ग्लाइकोजन का संग्रह करती हैं। और तमाम तरह के हार्मोन का उत्पादन करती है। विशेष तौर से वे हार्मोन जो फैट के होते हैं, बसीय हार्मोनों का उत्पादन करते हैं, तथा ये तंतु बनाकर एक कोशिका से दूसरे कोशिका को संबंध स्थापित करते हैं। तो आपने देखा कि ER क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हिंदी में अंतर। इसकी खोज के आर पोर्टर ने की थी। यह सभी कोशिकाओं में केंद्रक से निकलकर संपूर्ण कोशिका में फैली होती है। ER तीन प्रकार की रचनाओं से बनी होती हैं, सिस्टर्नी जो चपटी और लंबी लंबी नलिकाएं होती हैं, इन पर राइबोसोम लगे होते हैं। दूसरी थैलियाँ, यह लगभग अनियमित आकार की थैलियाँ होती हैं जिनमें तमाम तरह के एंजाइम्स आदि भरे होते हैं। तीसरी नलिकाएँ या शाखायुक्त यानी ब्रांचेड नलिकाएँ होती हैं। इन तीन प्रकार की संरचनाओं से ER बने होते हैं। ER मुख्यतः दो तरह के होते हैं, RER खुरदरी जालिका, वे जालिकाएँ जिन पर राइबोसोम्स लगे होते हैं इन्हें कणिकामय या खुरदरी जालिका कहते हैं। दूसरी SER सपाट जालिका, वे जालिकाएं जिन पर राइबोसोम्स नहीं लगे होते उन्हें सपाट जालिकाएं कहते हैं। ER के कार्य विभिन्न पदार्थों के आवागमन के लिए पर नियंत्रण करती हैं, उन्हें रास्ता प्रदान करती हैं। एक कोशिकांग से दूसरे कोशिकांग में किसी पदार्थ का आवागमन होना है तो ये रास्ता प्रदान करती हैं। कोशिकाओं के लिए कंकाल का कार्य करती हैं, अर्थात कोशिका के कोलाइडी मैट्रिक्स को सहारा देती हैं और उन्हें कंकाल का कार्य करती हैं। कोशा विभाजन के बाद जो कोशिका कला कोशाभित्ति केंद्रक कला आदि निर्मित होती है वह ER के द्वारा होती है। SER ग्लाइकोजन का संग्रह करती हैं, हार्मोन आदि का उत्पादन भी ये करते हैं। इस तरह से ER के मुख्य कार्य आपको बताए गए। अब दूसरे कोशिकांग पर चलते हैं, दूसरा कोशिकांग लेते हैं। पहला कोशिकांग हो गया, दूसरा कोशिकांग वो है माइटोकांड्रिया। कोशिकांग नंबर दो माइटोकांड्रिया, जिसे हिंदी में भी माइटोकांड्रिया कहते हैं। माइटोकांड्रिया की खोज सी बेंडा ने किया था।
माइटोकांड्रिया की खोज किसने किया था? सी वेंडा ने किया था और अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने इसे माइटोकांड्रिया को खोजा और उसके नाम को बताया। तो सी वेंडा ने माइटोकांड्रिया नाम दिया और अल्टमान ने खोजा। अल्टमान ने खोजा, सी वेंडा ने इसका नाम दिया। इस तरह से माइटोकांड्रिया की खोज अल्टमान ने किया। अब इसकी संरचना देखें, संरचना माइटोकांड्रिया का इंपॉर्टेंट है। तो ये बंद ऐसे थैली होती है जो दोहरी कला की बनी होती है। बंद थैली है, दोहरी कला की होती है, जो भीतरी कला पर इसी अनियमित ऐसे चारों हर दिशा से उभार होते हैं। इस तरह से तो ये बाह्य कला और ये भीतरी कला और ये उभार कृष्टि, और इन्हीं उभारों पर दानेदार रचनाएं सब जगह पाई जाती हैं। हर कृष्टि के ऊपर टेनिस के रैकेट के आसार होते हैं जिसे यकवन कण कहते हैं। इनमें कुछ डीएनए पाया जाता है, डीएनए होता है और राइबोसोम्स होते हैं। इस तरह से माइटोकांड्रिया की संरचना देखें, ये ढोलकाकार दोहरी वृत्त की दीवार की बनी होती है जिसकी बाह्य परत को सपाट होती है जिसे बाह्य परत कहते हैं, तथा भीतरी परत वो अनेक उभारों युक्त होती है। इनके उभारों को कृष्टि कहते हैं। कृष्टि पर टेनिस के रैकेट के आकार के अनेक वृत्तीय कण होते हैं जिन्हें कृष्टि यकवन कण कहते हैं, और इसके अंदर कुछ राइबोसोम्स होते हैं। शेष भारी पदार्थ को मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में अनेक एंजाइम विलयन और होते हैं। ये माइटोकांड्रिया, माइटोकांड्रिया के कार्य, माइटोकांड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस कहते हैं क्योंकि यह माइटोकांड्रिया का मुख्य कार्य, ऑक्सी श्वसन में भाग लेना तथा उससे ऊर्जा का उत्पादन करना होता है। इस तरह से माइटोकांड्रिया का मुख्य कार्य क्या है? कोशिकाओं से में ऊर्जा उत्पादन करना, जिसके कारण इसे हम जो है क्या कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। यह माइटोकांड्रिया ऑक्सी श्वसन में भाग लेकर के एटीपी का निर्माण करता है। ऑक्सी श्वसन में भाग लेता है और एटीपी का निर्माण करता है। एटीपी का निर्माण कहां होता है? माइटोकांड्रिया में होता है। और इसी एटीपी क्या है? एटीपी ऊर्जा का कुंड है, इसमें ऊर्जा संरक्षित रहती है और यह ऊर्जा कोशिकीय कार्यों के लिए जो है खर्च होती है। अब हम तीसरा कोशिकांग देखेंगे, गाल्जी बॉडी। तीसरा कोशिकांग देखेंगे, गाल्जी बॉडी। गाल्जी बॉडी की खोज जो है कैमेलियो गाल्जी ने किया था।
इसकी खोज जो है केमिलो ग्वाल्जी ने किया था। जिनके ऑनर में ही इसका नाम गाल्जी वाडी कहते हैं। उसमें ये थैली जैसी रचनाएं होती हैं, तब इन्हें हम डिप्टियोसोम्स कहते हैं। यह 4 से 10 खोखली बेलनाकार, कितने 4 से 10 खोखली बेलनाकार चपटी नलिकाओं की बनी होती हैं, जिसे हम गाल्जी बॉडी कहते हैं। 4 से 10 खोखली चपटी नलिकाओं की बनी होती हैं, इनमें कहीं कहीं पर छोटी छोटी थैलियां भी होती हैं, इन्हें हम गाल्जी बॉडी कहते हैं। तो गाल्जी बॉडी की संरचना, चार से दस चपटी पतली नलिकाओं थैलियों की बनी होती हैं, इन्हें हम गाल्जी बॉडी कहते हैं। और इनके साथ ही कुछ छोटी छोटी गोल रिक्तिकाएं भी लगी होती हैं। कार्य, गाल्जी बॉडी का मुख्य कार्य स्रावी श्रावण, इसीलिए स्रावी कोशिकाओं में ये अधिक पाई जाती हैं। यह मुख्य काम इसका जो है स्रावी है। साथ ही कोशिका विभाजन के समय कोशिका विभाजन में सेल प्लेट का निर्माण करती है, सेल प्लेट बनाती हैं, जिससे कोशा एक कोशा से दो कोशा में बंट जाती है। विभिन्न पदार्थों का स्राव करती हैं, विभिन्न पदार्थों का स्राव करती हैं तथा कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती हैं, उत्सर्जी पदार्थों को कोशिका से बाहर निकालती हैं। उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालती हैं, यही कारण है इन्हें कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। ये जो गाल्जी बॉडी है, कोशिका में जितने अतिरिक्त या उत्सर्जी पदार्थ हैं इसका छटनी करती हैं, इसीलिए इसे कोशिका का ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं।